6:30 बज रहे हैं और दिन है आज का शनिवार। हम निकल रहे हैं एक शिव मंदिर के लिए जो कि अभी तक मैप में शो नहीं होता है। लेकिन एक मिनट, फिर ये मैप में कौन सा मंदिर हमें दिख रहा है? ये वही शिव स्टैचू है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। हमने पहले कभी मैप से सर्च नहीं किया था कि वहाँ ये लोकेशन है या नहीं, पर अभी तुरंत देखा तो हमें पता चला कि ये लोकेशन तो मैप्स में पहले से किसी ने डाल रखा है। आज के लिए हमारे साथ बुबू द ड्रोन पायलट, ये हमारे साथ जाएंगे और ये बाइक है डोमिनार 250। तो चलिए चलते हैं। आज का रूट काफ़ी सिंपल है, हमें 19 किलोमीटर पार करना है और मैप से जो टाइम दिखा रहा है वो 32 मिनट्स का टाइम है। इससे जल्दी ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आज का मेन हाईवे ही है और वहाँ की सड़कें तो अच्छी ही होती है। अभी हम पानी कोयली पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से हमें राइड जाना होगा भुवनेश्वर की तरफ। इस ट्रक वाले ने भी अपने पीछे कितनी अच्छी चीज़ लिखवाई है, माय डैड माय एटीएम। भाई हॉर्न बजाओ हॉर्न। जिंदगी की एक और नई सुबह चाय के नाम। कभी मन करे तो चाय पीने बैठना हमारे साथ, सस्ती चाय के साथ महंगी यादें पिलाकर भेजेंगे आपको। बातें भूल जाती। फिर थोड़ी देर चाय ब्रेक लेने के बाद हम निकलते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम लोग अपने लोकेशन के काफी सामने ही हैं। ये भुवनेश्वर तक जाने वाला हाईवे है, इसके बीच में अभी हम लोग हैं और शिव मंदिर हमारे आगे है। तो अभी हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन उड़ा के दिखाएंगे कि शिव जी का जो स्टैचू है वो कहाँ पर है। एविल जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मेरा नाम बुबू है, मैं बुबू हूँ। मंदिर थोड़ा गांव के अंदर है तो यहाँ आने के लिए आपको गांव से होते हुए पार करना पड़ेगा। यहाँ काफ़ी छोटी सड़कें हैं और शिव जी का स्टैचू काफ़ी दूर में यहाँ से अभी भी, लेकिन अभी हम लोग ड्रोन उड़ाने वाले इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। आज का मौसम भी काफ़ी धूप निकला हुआ है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा ही है। ये अभी ड्रोन उड़ने ही वाला है। ये हमारी मक्खी है और ये उड़ेगी। जाओ मक्खी उड़ो। इसके नीचे रहने से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हवा आता है। एक बार जब हम वीडियो बनाने गए थे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी थी, तो हम ड्रोन के नीचे बैठ के ही हवा खा रहे थे और फिर हमारी मक्खी उड़ी यानी कि ड्रोन, और उसके बाद हमें कुछ ऐसे व्यूज दिखे। चुकी है वापस अपना मंजिल काम कार्य को पूरा करके। अब हम मंदिर के और सामने जाएंगे और वहाँ से वीडियो लेंगे।
और ये काफ़ी खराब रास्ता है, क्योंकि साफ होकर गुजरना होगा। एक साइकिल वाले भैया आ रहे हैं जो हमें साइड दे चुके हैं। बारिश है, आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी सूखा है तो ठीक है, बारिश में हम आ भी नहीं रहे यहाँ। लेकिन अगर आपको अच्छे बाइक चलानी आती हो तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ आने में। अभी ये मंदिर का मेन गेट है और ये हम इंटर कर चुके हैं। अभी हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अंदर में ही शिव जी का मंदिर है। यहाँ काफ़ी शांति है क्योंकि यहाँ गांव वाला इलाका है, काफ़ी कम लोग को ही पता है कि यहाँ कोई मंदिर भी है। यहाँ एक गेट है। अभी ये हाईवे से काफ़ी अंदर होने की वजह से किसी को जल्दी दिख नहीं पाता है। एक दिन शाम में हम ऐसे ही घूम रहे थे तो हमें अचानक से मिल गया यह मंदिर। तो वहाँ से हाईवे से जब हमने देखा तो हम लोग ने ऐसे ही फालतू में घूम रहे थे तो हम लोग सोचे कि अंदर आके देख ही लेते हैं। तो हम अंदर आ गए थे और हमें ये मंदिर मिला।